नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस का सेकेंड वेव बहुत ही घातक साबित हो रहा है, जिसके कारण मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्रिटिकल सिचुएशन में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है और क्यों। तो सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित कुल लोगों में से केवल 10% क्रिटिकल लोगों को ही ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। बाकी 90% लोग वायरस से आसानी से रिकवर हो जाते हैं। 30% लोगों के लंग्स को कोरोना वायरस पूरी तरह प्रभावित कर देता है, जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को पूरी तरह इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे वायुमंडल में सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन उपस्थित है और कोरोना वायरस के कारण पेशेंट के लंग्स वीक पड़ जाने के कारण उस 21% को भी अच्छी तरह से इनहेल नहीं कर पाते हैं। इसलिए पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें 90-98% तक ऑक्सीजन होती है, जिसे वीक पड़े लंग्स आसानी से इनहेल कर पाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु नहीं।